आप पिछले वीडियो में हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट चेक किया था जिसको हम बोलते थे लैंग्वेज। अब देखो लैंग्वेज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करें और कुछ स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे ऑटोमेटा, ठीक है। तो ऑटोमेटा होता क्या है, जब मैं एक डिस्कशन करता हूँ ऑटोमेटा, सो ऑटोमेटा इज़ अ प्लूरल वर्ड ऑफ ऑटोमेटन, ऑटोमेटन। सी इन रियल लाइफ देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोमेटा जो हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं ऑटोमेटा की डेफिनेशन बोलता हूँ तो डेफिनेशन क्या है, सो ऑटोमेटा इज डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर एनर्जी मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसमिटेड एंड यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम फंक्शंस विदाउट एनी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ मैन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑटोमेटा फॉर पैकिंग मशीन एंड सो ऑन। सो ऑटोमेटा इज जस्ट बेसिकली मशीन, जब मैं ऑटोमेटा की बात करता हूँ इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ मशीन विच कैन परफॉर्म इट्स टास्क विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ऑटोमेटा इज अ मशीन विच कैन परफॉर्म इट्स टास्क विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि हमारे पास ऑटोमेटाज जैसे आप देखें ऑटोमेशन एक वर्ड है, ऑटोमेशन, सो ऑटोमेशन इज मेड अप ऑफ ऑटोमेटा ओनली, ठीक है। तो ऑटोमेटा इज सम मशीन्स ओनली जो कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बिना अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा मैं एक ऑटोमेटा दिखाऊंगा। एक हमारे पास बेसिकली ऑटोमेटाज आर ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि देयर सम विच गिव्स आउटपुट सम विद विच डज नॉट गिव आउटपुट एंड सो ऑन। एक सिंपल सा मैं आपको एक ऑटोमेटा एक वर्ड एक लैंग्वेजेस के लिए एक लैंग्वेज के लिए मैं एक सिंपल सा ऑटोमेटा आपको दिखाता हूँ। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ये सब होता क्या है और ये सब बनाते कैसे हैं और इसमें क्या चीज़ कैसे काम करती हैं। अब देखो जैसे मैं ऑटोमेटा बोलता हूँ, मैंने बोला लैंग्वेज इज इक्वल टू सेट ऑफ w सच दैट लेंथ ऑफ w इज इक्वल टू 2। यानी कि एक लैंग्वेज है जहाँ पर सबमिशन इज इक्वल टू a कॉमा b। लैंग्वेज के अंदर हमारे पास a और b, ये दो हमारे पास एग्जैक्टली दो सिंबल्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं और उसके ऊपर लैंग्वेज हमने बताया कि लैंग्वेज में वो सभी स्ट्रिंग आएगी जिनकी लेंथ एग्जैक्टली 2 है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती हैं, स्ट्रिंग कैन बी ए ए ए बी बी ए और बी बी। अब एक सिंपल डेफिनेशन है ऑटोमेटा की यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे कि उस ऑटोमेटा के अंदर एक तो होगी हमारे पास टेप, ठीक है, ये एक रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास एक टेप, और इस टेप के साथ साथ हमारे पास एक होगा फाइनाइट कंट्रोल जो इस टेप से सिंबल्स को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ एक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब इस फाइनाइट कंट्रोल के बाद समटाइम्स देयर कैन बी फाइनाइट मेमोरी, देयर कैन बी मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, देयर कैन बी मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ क्यूज, देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरी, देयर कैन बी इनफाइनाइट मेमोरी एंड सो ऑन। सो इस फाइनाइट कंट्रोल के हम के साथ हम किस तरह की मेमोरी अटैच करते हैं, इसको किस तरह की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि सिर्फ आगे की तरफ जा पाएगा या इस तरफ भी जा पाएगा इस तरीके से। तो जो फाइनाइट कंट्रोल है ये जो कंप्लीट एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन है, दिस इज जस्ट आई एम सेइंग इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन ऑफ ए ऑटोमेटा, ठीक है। अब इस ऑटोमेटा के साथ वी कैन कंबाइन सम फाइनाइट मेमोरी, वी कैन कंबाइन सम स्टैक, वी कैन कंबाइन सम क्यूज एंड दे कैन बी हैविंग इनफाइनाइट मेमोरी एंड सो ऑन। अभी करेगा क्या, जो भी हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे ए इज ए स्ट्रिंग, तो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को हम इस टेप के अंदर लोड करेंगे, उसके बाद ये फाइनाइट कंट्रोल इस टेप में से सिंबल को रीड करेगा। सो वी आर फॉर सिंपलिसिटी वी आर एज्यूमिंग कि जो फाइनाइट कंट्रोल है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा दोनों डायरेक्शन की तरफ से जगह से, जैसे कि इसने पहले सिंबल ए को रीड किया उसके अकॉर्डिंग ये कुछ फंक्शन को परफॉर्म करेगा जो जिसको हम एक स्टेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट, ठीक है। फिर ये दूसरे सिंबल को रीड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये पूरे किस फंक्शन को परफॉर्म करेगा जो कि हमारे पास दूसरी स्टेट हो जाएगी, जैसे कि पहली स्टेट हमारे पास Q1 है तो दूसरी स्टेट हमारे पास Q2 हो जाएगी, है ना। और आफ्टर रीडिंग द एंटायर स्ट्रिंग, जब ये पूरे स्ट्रिंग को पढ़ लेगा उसके बाद हम बताएंगे कि ये स्ट्रिंग एक वैलिड स्ट्रिंग है कि नहीं। तो इस तरीके से हम ऑटोमेटास को यूज़ करेंगे यानी कुछ मशीन्स को यूज़ करेंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन होगी, ठीक है। ये देखिए इट्स अभी यहाँ पर दीज आर काइंड ऑफ अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इसकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है।
बट जब हम यहाँ पर इतने सभी ऑटोमेटास को बनाएंगे अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए, तो दैट इज़ काइंड ऑफ एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि मैथमेटिकल मशीन होगी ये। अब इसको मैथमेटिकली इस मशीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑटोमेटास होंगे, अगर ये एक ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ऑटोमेटा के अंदर वी आर गोइंग टू गिव सम सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। जैसे इनपुट हमारे पास i1, i2, अप टू सो ऑन in। नाउ इस ऑटोमेटा कैन गो टू सम सेट ऑफ स्टेट्स, जैसे q1, q2, q3, अप टू सो ऑन qn, एंड उसके अकॉर्डिंग इट कैन गिव सम सेट ऑफ आउटपुट। सो दिस कैन बी डिफरेंट एंड दिस कैन बी इन सेट ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी डिफरेंट, नंबर ऑफ स्टेट्स कैन बी डिफरेंट, एंड उसके अकॉर्डिंग इट कैन गिव सम सेट ऑफ आउटपुट, आउटपुट 1, आउटपुट 2, अप टू सो ऑन आउटपुट in, ठीक है। सो देयर मे बी सम ऑटोमेटास जो कि आउटपुट्स ना दें, और कुछ ऐसे ऑटोमेटास हो सकते हैं जो कि आउटपुट दें। तो जब इस ऑटोमेटा के इस तरह के डिज़ाइन की मैं बात करता हूँ, यानी कि आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन ऑफ अ मशीन, या फिर कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, ठीक है। सो ऑटोमेटा जब हम यहाँ पर बनाएंगे, दे विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट, दे विल बी कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, यानी कि इस ऑटोमेटा के अंदर हम इसमें से कुछ सिंबल को लोड करेंगे, इस कुछ सिंबल को यहाँ पर रखेंगे, ये कुछ मूवमेंट्स करेगा, कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा, और उसके बाद हमें बताएगा कि ये जो सिंबल है, ये जो स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब हम हर एक लैंग्वेज के लिए एक अलग ऑटोमेटा बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की हेल्प से हम बता पाएंगे कि एक वैलिड स्ट्रिंग है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, देखिए ये एक सिंपल डेफिनेशन, अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आए इट्स ओके, बिकॉज अभी तो मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कुछ सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा अभी, मतलब इन सेंस सब्जेक्ट के किसी चैप्टर को डिस्कस नहीं कर रहा अभी, तो बस मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर आपको इस समय पर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा, दैट्स ओके, यू कैन स्किप दिस वीडियो, आप इसको वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मैं सिर्फ एक हर एक वीडियो के अंदर एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो कि आपको बताएगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो ये एक सिंपल सा एक मैं डिज़ाइन में आपको बना रहा हूँ। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए कॉमा बी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अनदर स्टेट, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट Q1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट Q2, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्रांजिशन ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये आपको नहीं भी समझ आए दैट्स ओके, ठीक है। और ये है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनल स्टेट से, यानी कि जिसके अंदर भी डबल सर्कल है उसको मैं फाइनल स्टेट से रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर ये सिंगल सर्कल है यानी कि वह सिंपल एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो है ये जो पूरा मैं आपको दिखाया ये एक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आई कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटोमेटास और मशीन्स, ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मैं अगर ऐसे बनाऊँ कि इट इज़ अ स्टेट विच इज रिप्रेजेंटिंग Q1, ठीक है। यहाँ पर अगर हम A कॉमा B देंगे तो हम एक स्टेट पर जाएंगे जिसको बोलेंगे Q2, फिर से यहाँ पर अगर हम A कॉमा B देंगे तो हम एक स्टेट पर जाएंगे जिसको बोलेंगे Q3, ठीक है। एंड Q3 इज रिप्रेजेंटिंग अ फाइनल स्टेट, और फिर हम एक इसके बाद अगर हमने A कॉमा B दिया तो हम स्टेट Q4 पर जा रहे हैं, और जहाँ पर हम A और B कुछ भी दे सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। अब इस लैंग्वेज के अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग दूंगा, जैसे कि पहली स्ट्रिंग है मेरे पास AA, तो इनिशियली जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, इस केस में हमने टेप के ऊपर लोड किया A, ठीक है। अभी जो फाइनाइट कंट्रोल है वो पहले सिंबल को रीड कर रहा है, ठीक है। फाइनाइट कंट्रोल जो है, इनिशियल जो पोजीशन है वो ये होती है, ठीक है। Q1 दिस इज शोइंग इनिशियल स्टेट ऑफ दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। अब मैं क्या करूँगा कि इस पूरी लैंग्वेज की, जैसे हमने कोई भी एक स्ट्रिंग उठाई, मैंने स्ट्रिंग को उठाया, अब इस स्ट्रिंग का जो पहला सिंबल है A, तो मैं इस सिंबल को इस ऑटोमेटा के, ये ऑटोमेटा इस फर्स्ट सिंबल को रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये किसी स्टेट पर जाएगा, यानी कुछ वर्क परफॉर्म करेगा और किसी और स्टेट पर चला जाएगा। जैसे ये एक स्टेट हो गई यहाँ से, तो हमने पहले सिंबल को रीड करके हम एक स्टेट Q2 पर चले गए। फिर अब ये जो फाइन जो इसका हेड है, इसको बोलते हैं रीड राइट हेड। अब पहले सिंबल को रीड करने के बाद अब ये जो रीड राइट हेड है, ये भी सेकेंड सिंबल को रीड करेगा।
तो जब इस Q2 स्टेट पर था, जब इसने सेकंड सिंबल A को रीड किया, तो इसने A को रीड करने के बाद ये Q3 स्टेट पर चला गया, यानी कि ये जो रीड राइट हेड है वो इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये पूरे स्ट्रिंग को रीड करने के बाद, आफ्टर रीडिंग द एंटायर स्ट्रिंग, अगर हम एक फाइनल स्टेट पर आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वैलिड सिंबल, यानी कि ये इट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए ए ए ए, यानी कि विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर अल्फ़ाबेट्स। अब देखो यहाँ पर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर अल्फ़ाबेट्स है। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा को दूंगा तो ये पहले सिंबल को रीड करेगा, पहले सिंबल को रीड करके हम Q1 से Q2 पर चले गए, फिर हमने दूसरे सिंबल को रीड किया, दूसरे सिंबल को रीड करके हम Q2 से Q3 पर चले गए, फिर हमने तीसरे सिंबल को रीड किया, तीसरे सिंबल से हम Q3 से Q4 पर चले गए, फिर चौथे सिंबल को रीड किया जहाँ से हम Q4 से Q4 पर ही रहे। तो पूरा सिंबल रीड करने के बाद, यानी पूरी स्ट्रिंग रीड करने के बाद, दिस इज अ स्ट्रिंग, सो पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद अगर हम फाइनल स्टेट पर नहीं हैं, यानी कि जिस भी स्टेट पर हैं वो स्टेट किसी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसी लैंग्वेज के अंदर कौन से ऐसे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो कि उस लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, और कौन से ऐसे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो कि उस लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑटोमेटास की हेल्प लेंगे टू फाइंड आउट व्हाट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग इन अ लैंग्वेज एंड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग दैट इज़ नॉट इनवैलिड, दैट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो अब जो ऑटोमेटा जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो कौन कौन से ऑटोमेटास पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ इसके लिए। इस सब्जेक्ट में जो हम ऑटोमेटास पढ़ेंगे, ऑटोमेटास, तो कौन कौन से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के दो पार्ट होंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, विदाउट आउटपुट, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन, और इस ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से हम पढ़ेंगे लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, ठीक है। अब देखो जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट है, सो विद आउटपुट हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर मिले मशीन, मिले मशीन, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मुरे मशीन, मिले मशीन एंड मुरे मशीन। तो ये जो मिले मशीन एंड मुरे मशीन है ये आपने ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटास को हम FSM भी बोलते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन्स। तो ये जो FSM है ये आपने डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। देखो डिजिटल लॉजिक में जो हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स, सो शिफ्ट रजिस्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटास ओनली। एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं ऑटोमेटास को रिप्रेजेंट करूँगा तभी आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा, आई विल मेक अ शिफ्ट रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, और इस तरीके से कोई भी जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं जहाँ पर हम फाइनाइट मेमोरीज को यूज़ करते हैं, तो वो जो रजिस्टर्स हैं जो हमारे पास काउंटर्स हैं, इवन जो काउंटर्स हैं वो भी एक ऑटोमेटा मशीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं आप सब आपको डिस्कस करूंगा। आज मैं यहाँ पर विदाउट आउटपुट की बात करता हूँ, तो विदाउट आउटपुट पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं डी एफ ए से, जहाँ से डी का मतलब डिटर्मिनिस्टिक, एफ ए का मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की शॉर्ट फॉर्म में कहीं पर एन डी एफ ए भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं एन एफ ए भी लिख सकता हूँ। सो एन एफ ए और एन डी एफ ए बोथ आर रिप्रेजेंटिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास, ठीक है। एंड देन पुश डाउन ऑटोमेटास दो तरह के डिस्कस करेंगे, पहला डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, दिस इज पी डी ए, एंड देन वील बी डिस्कसिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन पी डी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा।
then Turing machine is always deterministic and linear bound automata is also deterministic, जो हम discuss करेंगे यहाँ पर. तो ये अलग अलग तरह के हम automata को यहाँ पर discuss करने वाले हैं. हम लोग check करेंगे कि इन सभी automata की limitations क्या है, इन सभी automata की capabilities क्या है, किस तरह की problem को ये automata solve कर सकते हैं और किस तरह की problem को ये automata solve नहीं कर सकते. जैसे कि कुछ ऐसी problem है जो कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है पुश डाउन ऑटोमेटा सॉल्व कर सकता है, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा सॉल्व नहीं कर सकता. तो कुछ प्रॉब्लम है जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रॉब्लम पुश डाउन ऑटोमेटा सॉल्व कर सकता है. कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो कि पुश डाउन ऑटोमेटा सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकती हैं. ऐसे ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि लीनियर बाउंड ऑटोमेटा सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकती हैं. तो हम हर एक कैटेगरी में कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे कि इन सब की लिमिटेशंस क्या है, इन सब की कंप्यूटेशन पावर, इनकी सभी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीमेंटल फॉर्म में सबको स्टडी करेंगे. ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर ग्रामर. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रामर का एक ओवरव्यू दूंगा कि ग्रामर है क्या और किस तरीके से हम ग्रामर्स को यूज़ करते हैं. ठीक है,